अक्सर लोगों से आपने ये कहते हुए सुना होगा कि कहीं कोई पुलिस पदाधिकारी या कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का भया दोहन कर उससे वसूली करता हो। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी थाना अध्यक्ष और ओपी प्रभारियों से भी कोई वसूली करता हो? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। प्रतिष्ठित दैनिक जागरण अखबार में छपी इस खबर पर भरोसा किया जाए तो दरभंगा में ऐसी ही हफ्ता वसूली का मामला चल रहा है, और ये वसूली कोई और नहीं बल्कि इस क्षेत्र के यानी कि मिथिला क्षेत्र के आईजी कार्यालय में तैनात सहायक पुलिस अवर निरीक्षक संजीव झा कर रहे हैं। वसूली की रकम कोई मामूली नहीं है, लगभग 50,000 से लेकर 1,00,000 तक की वसूली केवल एक थाना और ओपी से की जा रही थी, वो भी साप्ताहिक। अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महीने भर में वसूल की गई कुल धन राशि कितनी हो गई। दरअसल ये मामला तब प्रकाश में आया जब किसी ने बिना हस्ताक्षर के ही पटना स्थित पुलिस मुख्यालय को गोपनीय रूप से ये सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मुख्यालय सहित दरभंगा आईजी कार्यालय में हड़कंप मच गया। पुलिस मुख्यालय ने इस शिकायत को बड़ी गंभीरता से लेते हुए आईजी साहब को पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया और 3 सप्ताह के अंदर सभी तत्वों के साथ जवाब भी मांगा है। वहीं संबंध में हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है उससे भी पुलिस विभाग के लोगों ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर कहीं ना कहीं इस आरोपों को सही ठहराया है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है और ये वसूली जिले या फिर यूं कहिए कि प्रखंड के कितने थानों से होती थी और इस पूरे प्रकरण में कुल कितने लोग शामिल रहते हैं।